दिल्ली में गठबंधन को नकारते हुए कांग्रेस ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली सीट पर अभी उम्मीदवार तय नहीं किया है। खास बात यह है कि गठबंधन के बाद टिकट बंटवारे में भी शीला को ही जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सोमवार को कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने शीला दीक्षित को उत्तरी पूर्वी दिल्ली, अजय माकन को नई दिल्ली, जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक, अरविंदर सिंह लवली को पूर्वी दिल्ली, महाबल मिश्रा को पश्चिमी दिल्ली और राजेश लिलोठिया को उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय से मिल रही खबरों की माने तो गठबंधन के साथ ही टिकट के मामले में कांग्रेस आलाकमान ने शीला दीक्षित के अनुभव पर ही भरोसा जताया है। यही वजह है कि 6 में से 5 उम्मीदवार उनकी पसंद के हैं। दरअसल पश्चिमी दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित पहलवान सुशील को उतारना चाहती थी, लेकिन पूर्वांचली कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सुशील के आखिरी समय में इनकार की वजह से यहां महाबल को बल मिल गया। इस चुनाव में कौन जीतेगा ये तो आने वाली 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन टिकट बंटवारे ने तो ये साफ कर दिया है कि पार्टी में विजेता शीला ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।